हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के साथ मैं अनुराधा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अन्नू मिस यूट्यूब हिंदी चैनल। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने अनुप्रास अलंकार के जितने भी भेद होते हैं उन सब के बारे में पढ़ लिया था, और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, विप्सा अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। इन सारे अलंकार के बारे में इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे यमक अलंकार के बारे में। यमक अलंकार क्या होता है, तो सबसे पहले हम यमक अलंकार से ही शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो जहां पर एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी भी वाक्य में, किसी भी काव्य में जब कोई एक ही शब्द हो और उसकी बार बार आवृत्ति हो, यानी कि वो शब्द बार बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, मतलब कोई भी एक वर्ड हो और उसकी आवृत्ति कई बार हो, यानी कि वो वर्ड जो है उस वाक्य में कई बार आए लेकिन जो उसका अर्थ हो वो हर जगह अलग अलग हो, तो वहां पे यमक अलंकार होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम इसे उदाहरण के थ्रू समझे तो देख सकते हैं, यहाँ पे कनक कनकते सौ गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बौराय नर, वा पाए बौराय। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कनक वर्ड है ये इस वाक्य में दो बार आया हुआ है, यानी कि वर्ड एक ही है हमारा कनक, लेकिन इसकी आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, यानी कि यहाँ पे दो बार हुई है, तो इसका अर्थ जो है यहाँ पे अलग अलग होगा, यानी कि कनक वर्ड एक ही है लेकिन इसका अर्थ अलग अलग होगा। जैसे कनक का अर्थ होता है धतूरा, कनक का अर्थ होता है सोना, और भी अर्थ होता है कनक का गेहूं भी होता है, और इसे प्लास भी कहते हैं, यानी कि कनक का एक और अर्थ होता है प्लास, लेकिन यहाँ पे केवल धतूरा और सोना ये दोनों वर्ड का यूज हुआ है, यानी कि ये जो दोनों कनक कनक वर्ड है यहाँ पे एक कनक का अर्थ होगा धतूरा और एक कनक का अर्थ होगा सोना। जैसे अगर इसका हम अर्थ देखें तो देख सकते हैं यहाँ पे कनक कनकते सौ गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बौराय नर, वा पाए बौराय। इसका मतलब सबसे पहले अगर हम कनक का अर्थ धतूरे से लगाते हैं तो धतूरा आप जानते ही होंगे, धतूरा एक बहुत ही जहरीला पौधा होता है, तो माना जाता है कि अगर कोई इंसान धतूरा का सेवन करता है तो वो पागल हो जाता है। तो सबसे पहला अर्थ यहाँ कनक से धतूरा का लें तो कोई भी इंसान अगर धतूरा खा ले तो वो बौरा जाता है, यानी कि पागल हो जाता है। और दूसरा कनक का अर्थ अगर हम सोना से लें, सोना यानी कि यहाँ पे सोने का अर्थ बहुत ज्यादा धन से है। तो जैसे मान लीजिए कि किसी भी इंसान को बहुत ही ज्यादा एक ही बार धन दे दिया जाए, अचानक उसको बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति हो जाए तो वो इंसान भी पागल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे उसके पागल होने का कारण कुछ और है, और जहाँ पे धतूरा ले रहे थे वहां पे पागल होने का अर्थ कुछ और था, लेकिन हो रहे थे पागल दोनों ही। तो इस तरीके से यहाँ पे जो कनक वर्ड है, कनक शब्द है, इसका अर्थ दो चीजों से लिया गया है, पहला है धतूरा और दूसरा है सोना, तो इसलिए इस वाक्य में हमारा यमक अलंकार होगा। उसके बाद अगला उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे अगला उदाहरण यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी है, तीन बेर खाती वो तीन बेर खाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीन बेर यहाँ पे भी आया हुआ है और तीन बेर यहाँ पे भी आया हुआ है, तो ये दोनों ही वर्ड सेम है, एक ही है, लेकिन ये दो बार आया हुआ है, यानी कि इस वर्ड की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, तो इसका अर्थ भी अलग अलग होगा। अब इसका अर्थ अगर हम देखें तो इसका अर्थ यानी कि तीन बेर का अर्थ एक बार समय से लिया जाएगा और एक बार फल से लिया जाएगा। तो इसका अर्थ अगर हम देखें तो ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी है, यानी कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, और तीन बेर खाती वो तीन बेर खाती है, मतलब कि तीन टाइम खाती है, यानी कि समय से लिया गया है, तो तीन टाइम यानी कि तीन बार खाती है, और तीन बेर का मतलब जो फल आता है बेर, उस बेर की बात कही गई है, तो तीन बेर खाती है यानी कि तीन टाइम खाती है और तीन तीन बेर खाती है। तो इस तरीके से इस वाक्य में भी अब हमारा यमक अलंकार होगा। इसी तरीके से अगला एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो घटा वर्ड है इसकी आवृत्ति हो रही है, ये वर्ड एक ही है घटा, लेकिन इसकी आवृत्ति यहाँ पे दो बार हुई है और इसका अर्थ भी यहाँ पे दो होगा। तो इसका अर्थ पहला होगा घटा मीन्स बादलों का जमघट,
और दूसरा घटा का मतलब कम हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका अर्थ अगर देखें तो काली घटा का घमंड घटा, यानी कि काले बादलों का जो जमघट है, जो काले बादलों का समूह है, उसका घमंड घटा हुआ है, यानी कि उसका घमंड घट गया है। तो यहाँ पे इस तरीके से इसमें भी हमारा यमक अलंकार ही होगा। तो एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं ताकि और भी हमें क्लियर हो जाए। तो देख सकते हैं जेते तुम तारे तेते नभ में तारे। जैसे यहाँ पे आप देखिए तारे शब्द यहाँ भी आया है और तारे शब्द यहाँ भी आया है। तो इसकी यानी कि तारे शब्द की आवृत्ति यहाँ पे दो बार हुई है और इसका अर्थ भी यहाँ पे दो बार ही होगा। तो पहले तारे का अर्थ होगा बेटा और दूसरे तारे का अर्थ होगा आसमान के तारे। तो अगर इसका अर्थ हम देखें तो देख सकते हैं जेते तुम तारे, यानी कि जितने तुम्हारे बेटे हैं, जितने तुम्हारे पुत्र हैं, तेते नभ में तारे, उतने ही आकाश में तारे हैं। तो इस तरीके से इस वाक्य में भी एक ही वर्ड की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पे भी यमक अलंकार होगा। तो दोस्तों अब आप यमक अलंकार समझ गए होंगे कि यमक अलंकार क्या होता है। एक बार और इसे हम रिपीट कर देते हैं। जैसे जहां पर एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पे हमने कई सारे उदाहरण के थ्रू समझे ही कि यमक अलंकार क्या होता है, कैसे होता है। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले अलंकार की ओर। अगला अलंकार है हमारा श्लेष अलंकार। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की सबसे पहले हम परिभाषा जानेंगे। तो श्लेष अलंकार का अर्थ है चिपकना, अर्थात जहां पर एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हुए हो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। मतलब श्लेष का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। तो यहाँ पे श्लेष का अर्थ भी चिपकना से ही है, मतलब इसमें वर्डों का चिपकना माना जाएगा, यानी कि जहाँ पे एक वर्ड में कई सारे अर्थ चिपके हुए हो वहां पे श्लेष अलंकार होता है। मतलब इसका ये कि जहाँ पर एक ही वर्ड में कई सारे वर्ड चिपके हुए हों, यानी कि किसी भी वाक्य में कोई ऐसा वर्ड हो और उसका अर्थ वहाँ पे कई सारे हो, यानी कि उसके अर्थ एक से अधिक आए, तो वहाँ पे होता है श्लेष अलंकार। तो इसे हम उदाहरण के थ्रू समझ लेते हैं ताकि और भी क्लियर हो जाएगा हमें। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पहला एग्जाम्पल है सुवरण को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सुवरण वर्ड है यहाँ पे इसका कई सारा मीनिंग है, कई सारे अर्थ इसके आएंगे। जैसे अगर पहले सुवरण का अर्थ कवि के अर्थ में लिया जाए तो कवि के लिए सुवरण का मतलब होगा सु प्लस वर्ड, यानी कि सुंदर अक्षर। तो कोई भी कवि है तो वो किसी भी वाक्य में हमेशा सुंदर वर्डों की खोज करेगा, हमेशा सुंदर वर्ड की तलाश रहेगी उसे। और यदि हम व्यभिचारी के रूप में सुवरण का अर्थ लें तो व्यभिचारी के लिए सुवरण का अर्थ होगा सुधन वरण। सु मतलब सुंदर और वरण मतलब रंग वाली स्त्री। तो कोई भी व्यभिचारी है तो वो हमेशा सुंदर वर्ड की तलाश नहीं करेगा, वो हमेशा सुंदर रंग वाली स्त्री की तलाश करेगा। और इसी तरीके से अगर हम चोर के रूप में सुवरण का अर्थ लें, यानी कि चोर जो है वो अगर सुवरण का अर्थ लगाएगा तो सुवरण चोर के लिए सोना होगा, यानी कि सुवरण का अर्थ यहाँ पे चोर के लिए सोना होगा, क्योंकि चोर हमेशा सोना ही ढूंढेगा, न कि वो सुंदर वर्ड ढूंढेगा और न ही वो सुंदर स्त्री ढूंढेगा। वो हमेशा चोर जो है सोने की तलाश में ही रहेगा कि कहाँ उसको सोना मिले और वो चुराए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो सुवरण है ये एक ही बार आया हुआ है लेकिन इसका अर्थ इस वाक्य में तीन होगा। पहला सुंदर वर्ड यानी कि सुंदर शब्द कवि के पक्ष में, और दूसरा सुंदर रंग वाली स्त्री व्यभिचारी के पक्ष में, और तीसरा सोना जो कि चोर के पक्ष में। तो इस तरीके से इस वाक्य में हमारा श्लेष अलंकार होगा। इसी तरीके से अगला उदाहरण हम देख लेते हैं। तो अगला उदाहरण है यहाँ पे पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पानी शब्द आया हुआ है इसका भी यहाँ पे तीन अर्थ लिया जाएगा। जैसे पहले पानी का अर्थ होगा मोती के पक्ष में चमक से, यानी कि पानी का अर्थ होगा चमक, और दूसरा अर्थ होगा जैसे अगर मनुष्य के पक्ष में पानी का अर्थ लिया जाए तो मनुष्य के पक्ष में यानी कि मनुष्य के लिए मान मर्यादा से लिया जाएगा। जैसा कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि पानी जो शब्द है ये मनुष्य के पक्ष में,
तो ये आप लोगों ने सुना ही होगा, बोलचाल की भाषा में बहुत ही ज्यादा फेमस है पानी वर्ड मनुष्य के पक्ष में। जैसे अगर कहीं भी इज्जत की बात आती है तो वहां पे पानी शब्द का बहुत ज्यादा बड़े बुजुर्ग लोग यूज करते हैं। तो इसी तरीके से अगर मनुष्य के पक्ष में पानी का अर्थ लिया जाए तो मान मर्यादा से होता है। उसी तरीके से अगर चून के अर्थ में लिया जाए तो पानी का अर्थ मृत्यु के रूप में होगा। तो इस तरीके से इस वाक्य में भी जो पानी वर्ड जो पानी शब्द आया हुआ है इसका तीन अर्थ होगा। यानी कि शब्द तो एक ही है पानी, लेकिन इसका अर्थ इसमें कई सारा चिपका हुआ है। यानी कि यहाँ पे तीन अर्थ एक ही में चिपका हुआ है, यानी कि एक शब्द का तीन अर्थ हो रहा है, यानी कि एक से अधिक अर्थ हो रहा है। तो परिभाषा भी श्लेष अलंकार की यही कह रही थी कि जहाँ पे कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, यानी कि एक से अधिक बार हो, तो वहां पे श्लेष अलंकार होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शब्द तो एक ही है लेकिन इसका अर्थ यहाँ पे एक से अधिक है, तो यहाँ पे श्लेष अलंकार होगा। तो अब हम एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, मंगन को देख ही पट देत बार बार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पट शब्द है इसका यहाँ पे कई सारा अर्थ होगा। जैसे पट का यहाँ पे दो अर्थ से लिया गया है, पट का पहला अर्थ होगा वस्त्र और दूसरा पट का अर्थ होगा किवाड़। तो इस तरीके से यहाँ पे श्लेष अलंकार होगा। तो चलिए अब अगले अलंकार की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला अलंकार है हमारा वक्रोक्ति अलंकार। तो सबसे पहले इसका शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो देख सकते हैं यहाँ पे वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा, वक्र मीन्स टेढ़ा होता है, और उक्ति का अर्थ होता है कथन। यानी कि वक्रोक्ति में दो शब्द आएंगे आपका वक्र और उक्ति, तो वक्र का अर्थ होगा टेढ़ा और उक्ति का अर्थ होता है कथन। अर्थात जहाँ बात किसी एक आशय से कही जाए लेकिन समझने वाला उसका दूसरा अर्थ लगा ले वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। यानी इसका मतलब ये कि सबसे पहले वक्रोक्ति जो है, वक्रोक्ति शब्द जो है, ये दो शब्दों से मिलके बना है, वक्र और उक्ति। तो वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा और उक्ति का अर्थ होता है कथन। यानी कि अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो टेढ़ा कथन। अर्थात इसका मतलब ये कि जहाँ बात किसी एक आशय से कही जाए लेकिन समझने वाला उसका दूसरा अर्थ लगा ले वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। या फिर इसकी एक और परिभाषा है उसे भी हम देख लेते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पर वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता अलग अर्थ निकाले उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। अब यहाँ पे आपको और भी क्लियर हो गया होगा वक्रोक्ति अलंकार। जैसे इसका उदाहरण हम देख लेते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे, को तुम हो इत आए कहाँ से, घनश्याम हो तो कितहु वर्षो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा वाक्य है इसमें कहा कुछ और जा रहा है वक्ता द्वारा और सुना कुछ और जा रहा है। जैसे अगर इसका हम अर्थ देखें तो इसका अर्थ यहाँ पे ऐसे होगा कि राधा जी दरवाजा बंद करके कमरे के अंदर हैं और दरवाजा बंद है और श्री कृष्ण जी आए हैं राधा जी से मिलने। तो श्री कृष्ण जी क्या कर रहे हैं कि दरवाजा बाहर से खटखटा रहे हैं, उसके बाद अंदर से राधा जी जो आवाज दे रही हैं वो ये दे रही हैं कि को तुम हो इत आए कहाँ से। ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है, ये राधा जी कह रही हैं कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। तो यहाँ पे श्री कृष्ण जी का उत्तर क्या है कि घनश्याम, यानी कि वो कह रहे हैं कि घनश्याम है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण जी अपना कृष्ण नाम ना बताते हुए घनश्याम बता रहे हैं। उसके बाद राधा जी क्या उत्तर दे रही हैं, तो कितहु वर्षो। इसका मतलब ये कि अब राधा जी यहाँ पे घनश्याम का अर्थ श्री कृष्ण से ना लगाते हुए कुछ और लगा रही हैं। जैसे यहाँ पे श्री कृष्ण जी अपना नाम कृष्ण ना बताते हुए घनश्याम बताए, तो राधा जी जो है वो घनश्याम का अर्थ बादल से लगा ली। यानी कि घनश्याम का अर्थ यहाँ पे बादल है, तो उन्होंने बादल समझ के इसका उत्तर क्या दिया, तो कितहु वर्षो, कि अगर तुम बादल हो तो जाओ कहीं भी बरसो, यहाँ किस लिए आए हो। तो इसका मतलब ये है कि इस वाक्य में कहा कुछ और जा रहा है और समझा कुछ और जा रहा है। तो इस तरीके से जहाँ पे इस तरीके का भाव उत्पन्न हो, यानी कि वक्ता द्वारा कुछ और कहा जाए और श्रोता द्वारा कुछ और सुना जाए, तो वहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले अलंकार की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला अलंकार है विप्सा अलंकार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विप्सा अलंकार।
तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो इसकी परिभाषा है, जब आदर, हर्ष, शोक, विस्मय आदि बोधक आदि भावों का प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति को ही विप्सा अलंकार कहते हैं। अर्थात इसका मतलब ये कि जहाँ पर आदर, हर्ष, शोक, विस्मय आदि बोधक इस प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं, इस प्रकार के भाव प्रभावशाली होते हैं, वहाँ पे विप्सा अलंकार होता है। जैसे चलिए हम इसे उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारा पहला उदाहरण है, मोहि मोहि मोहन को मन भयो राधा मय, राधा मन मोहि मोहि मोहन मय मय। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि मोहि मोहि ये जो वर्ड है यहाँ पे हर्ष उल्लास उत्पन्न कर रहा है, और मोहि मोहि यहाँ पे भी आया है तो यहाँ पे भी उत्साह और खुशी उत्पन्न कर रहा है, और यहाँ पे भी जो मय मय वर्ड आया है ये भी यहाँ पे हर्ष उल्लास उत्पन्न कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो वर्ड यहाँ पे आए हुए है, मोहि मोहि और मय मय, ये यहाँ पे हर्ष उल्लास उत्पन्न कर रहे हैं। तो इस तरीके से इस वाक्य में हमारा विप्सा अलंकार होगा। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारा अगला उदाहरण है, हाहा इन्हें रोकन को टोक न लगाओ तुम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो शब्द है हा हा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं विस्मय आदि बोधक का चिन्ह बना हुआ है। तो यहाँ पे इस तरीके से विस्मय आदि बोधक का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो इसलिए इस वाक्य में जो है वो विप्सा अलंकार होगा, क्योंकि विप्सा अलंकार में कहा गया है कि जहाँ पे विस्मय आदि बोधक का भाव उत्पन्न हो जिस शब्द के माध्यम से, और या फिर जहाँ पे विस्मय आदि बोधक का सिंबल लगा हो, विस्मय आदि बोधक का निशान लगा हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वर्ड के भी माध्यम से वही भाव उत्पन्न हो रहा है, और यहाँ पे विस्मय आदि बोधक का चिन्ह भी लगा हुआ है। तो इस तरीके से इस वाक्य में विप्सा अलंकार होगा। तो दोस्तों इसी के साथ अब हमारा शब्द अलंकार समाप्त होता है। अगर आपको शब्द अलंकार में कहीं कोई डाउट है या फिर कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अर्थ अलंकार। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपका लाइक और शेयर ही हमारे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट बनता है। तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। तो चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।